तो भाई लोग बिग बैश लीग 2023-24 का जो मैच नंबर 15 है ना, इसमें पर्थ स्कॉचर्स के सामने होगा मेलबर्न रेनेगेड्स। आप सबको पता है ना, जो इससे पहले अभी एक हफ्ते पहले मैच था पर्थ और मेलबर्न के बीच में, तो उस मैच में क्या हुआ था, बारिश आई, मैच कैंसिल हो गया। वैसे मेलबर्न रेनेगेड्स ने मैच फंसाया था, लेकिन बारिश ने पर्थ स्कॉचर्स को फंसा लिया। एक हफ्ते या 10 दिन बाद ये दोनों टीमें फिर से आमने सामने हैं, तो क्या होगा आज के इस मैच में। वैसे अगर हम यहाँ पे पर्थ की बात करें तो भाई साहब ने 3 मैच खेला, दोनों जीता, एक मैच नो रिजल्ट रहा, इनके 5 पॉइंट्स हैं। वहीं मेलबर्न रेनेगेड्स की बात करें, लेकिन भाई साहब ने 4 मैच खेला, एक मैच तो नो रिजल्ट रहा जिससे इनका खाता खुल गया, बाकी के 3 मैच हार गए। तो यहाँ पर एक टीम है पर्थ स्कॉचर्स जो लगातार सारे मैचेस जीतते हुए आ रही है, दूसरी तरफ है मेलबर्न रेनेगेड्स जो लगातार सारे मैचेस हारते हुए आ रही है। तो आज के मैच में क्या होगा, कौन सी टीम मैच उड़ा के ले जाएगी, चलो जानते हैं। अगर हम इन दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो भाई साहब 18 मैच खेले गए जिसमें से 15 मैच जीता पर्थ स्कॉचर्स ने, बस 3 मैच जीता मेलबर्न रेनेगेड्स ने। तो भैया ये तो लग रहा ऑस्ट्रेलिया एंड बांग्लादेश का मैच चलता है। हमेशा जो पर्थ की टीम होती है ना, मेलबर्न रेनेगेड्स को रेल देती है, मैच वैच जीतने नहीं देती। आखिरी के 5 मुकाबलों की बात करें तो 5 के 5ों पर्थ स्कॉचर्स ने ही अपने नाम पे किया। तो जो पर्थ की टीम है मेलबर्न से कह रही है भैया तुमसे ना हो पाएगा, हमको हराना वराना। तो क्या जो आज का मैच है फिर से पर्थ स्कॉचर्स जीतेगा या मेलबर्न रेनेगेड्स कुछ कर पाएगा, चलो जानते हैं। बस उससे पहले छोटा सा काम कर दो भाई का, चैनल सब्सक्राइब कर दो। आप करोगे चैनल सब्सक्राइब तो अच्छा लगेगा, साथ में भाई का टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि क्रिकेट के हर दिन जबरदस्त मैचेस चलते रहते हैं और सभी मैचों की जो वीडियो है ना वो बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन सभी मैचों की प्रेडिक्शन देना तो पॉसिबल है ना। कहाँ पर, मेरे टेलीग्राम पर। तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाओ या जो कमेंट बॉक्स में सबसे पहला कमेंट है वहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाएगी। अपसर प्रोडक्शन हाउस के नाम से मेरा टेलीग्राम है, ज्वाइन कर डालो, सभी मैचों की जबरदस्त वाली प्रेडिक्शन आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो भैया ये जो मैच है ना, ट्यूजडे 26 दिसंबर इंडिया टाइम अनुसार 3:45 PM मतलब शाम को 4 बजे के आसपास ये जो मैच है स्टार्ट होगा, और कहाँ पर खेला जाएगा, पर्थ स्टेडियम, पर्थ के मैदान पे। इस मैदान पे अभी तक T20 डोमेस्टिक के 31 मैच खेले गए जिसमें से 15 मैच में टारगेट डिफेंड हुआ, 16 मैच में टारगेट चेज। अगर हम यहाँ पे देखें तो चेज और डिफेंड की जो कहानी है वो बिल्कुल बराबरी की है, मतलब यहाँ का जो पिच है चाहे पहले बैटिंग कर लो बाद में बैटिंग कर लो बिल्कुल एक जैसा रहता है। एवरेज स्कोर यहाँ पे फर्स्ट इनिंग का 164 रन, टारगेट चेज की बात करें 156 के नीचे स्कोर बनेगा, 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट चेज हो सकते हैं। टारगेट डिफेंड की बात करें 172 प्लस स्कोर बनेगा, 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट डिफेंड हो सकते हैं। 156 से 172 के बीच में स्कोर होगा तो समझ जाना मामला बराबरी का आ गया भाई साहब, चेज भी हो सकता है और डिफेंड भी हो सकता है। भाई लोग यहां का जो सरफेस है ना वो ग्रीन ग्रोस है, जिसकी वजह से होता क्या, जो तेज गेंदबाज होते हैं ना शुरू में जो उनकी बॉल होती है ना वो एक्स्ट्रा बाउंस के साथ साथ दोनों तरफ स्विंग भी करती है, क्योंकि यहाँ की जो कंडीशन है वो बाउंसी है, तो मतलब बल्लेबाजी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बाउंड्री लेंथ की बात करें तो 64 मीटर से 83 मीटर की बाउंड्री, भैया छोटी मोटी बाउंड्री नहीं है, ऊपर से सरफेस ग्रीन ग्रोथ से बाउंसी कंडीशन है, तो ऐसे में ज़्यादा रन नहीं बनते, इसलिए जो मैच होता है यहाँ पे अक्सर आपको मीडियम स्कोरिंग देखने को मिलता है। अगर हम आज के मैच में पावर प्ले स्कोर की बात करें, पावर प्ले क्या 6 ओवर के स्कोर की बात करते हैं, क्योंकि पावर प्ले तो 4 ओवर का होता, बाद में 2 ओवर सुपर सच में यूज करते हैं, तो 43 से 48 के बीच में स्टार्टिंग में 6 ओवर में देखने को मिल सकता है। 20 ओवर स्कोर की बात करें तो 155 से 170 के बीच में स्कोर देखने को मिल सकता है। और अगर हम यहां के मैदान पे दोनों टीमों की परफॉर्मेंस की बात करें तो पर्थ स्कॉचर्स ने 30 मैच खेला, 30 मैच में से 19 मैच जीता, 11 मैच हारा, यानी जो पर्थ की टीम है अपने घर में जबरदस्त परफॉर्मेंस करती है। वहीं दोस्तों मेलबर्न रेनेगेड्स की बात करें तो 4 मैच खेला, बस 1 मैच जीता, 3 मैच हारा, यानी मेलबर्न की जो परफॉर्मेंस होती है पर्थ के मैदान पे कुछ खास नहीं होती। और दोस्तों जो मेलबर्न रेनेगेड्स ने 4 मैच खेले ना पर्थ के मैदान पे, 4 के 4ों किससे खेले, पर्थ स्कॉचर्स से खेले, यानी जो पर्थ की टीम है वो कहती है कि भैया जब तुम अपने घर में हमसे मैच नहीं जीत सकते तो हमारे घर में कैसे जीतोगे। तो आज के मैच में क्या होगा पर्थ के मैदान पे, चलो जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पे पर्थ स्कॉचर्स की। तो भैया अगर हम यहां पे पर्थ के खेमे में चेंजेस की बात करें, जो इनके कप्तान है अस्टन टर्नर वो थोड़ा सा अनफिट है तो आज का मैच नहीं खेलेंगे, इनकी जगह पे निक हॉबसन आपको खेलते नजर आएंगे, बस ये एक चेंज होने वाला है। बाकी अगर हम यहां पे पर्थ की परफॉर्मेंस की बात करें तो भैया जैक क्रॉली ने पिछला मैच खेला था, ट्रॉली बना दिया था सामने वाले गेंदबाजों को, जबरदस्त बल्लेबाजी करी। कूपर कॉनली की बात करें, इन्होंने जो 2 मैच खेला, 1 मैच में बढ़िया बल्लेबाजी करी तो 1 मैच में बढ़िया गेंदबाजी करी, तो मतलब ये भाई साहब भी बढ़िया ऑलराउंडर परफॉर्मेंस करके दे रहे हैं। एरॉन हार्डी की बात करें तो भैया इनके जैसा ना कोई हार्डिस नजर नहीं आ रहा है,
मतलब क्या ऑलराउंडर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। बल्लेबाजी तो दोनों मैचों में बढ़िया करी, एक मैच में बढ़िया गेंदबाजी भी करी। जॉस इंग्लिश की बात करें तो जॉस इंग्लिश ने पहले मैच में नॉट आउट की पारी खेली थी, लेकिन दूसरे मैच में न चल पाए। लेकिन आप सबको पता कितना कमाल का बल्लेबाज है। अस्टन टर्नर बढ़िया खेल रहे थे, उनकी जगह पर निक हॉबसन आए जो कि पहला मैच खेला था, नहीं चल पाए। देखने वाली बात होगी कि निक हॉबसन कैसी परफॉर्मेंस करके देंगे। बाकी अगर हम यहाँ पे लॉरी एवेंस की बात करते, अभी दो मैच में एक ही मैच में मौका मिला, बाकी मैचों में तो मौका ना मिला, क्योंकि इनकी जो गेंदबाजी होती है ना वो काफी ज्यादा जबरदस्त होती है। एस्टन अगार की बात करें तो कमाल के बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, जिनका बल्लेबाजी में भी मौका ना मिला दमखम दिखाने का, लेकिन गेंदबाजी में मौका मिला तो गेंदबाजी बढ़िया कर रहे एस्टन अगार। बाकी जे रिचर्डसन की बात करें तो आप सबको पता कितने जबरदस्त गेंदबाज हैं, इनके सामने रन बनाना छोड़िए विकेट बचाना भी मुश्किल होता है, जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। बाकी अगर हम जैसन बैरनडॉर्फ की बात करें तो भाई साहब कहर बरपा रहे हैं, दो मैच में 7 विकेट ले चुके हैं, एक में 3 लिया एक में 4 लिया। भैया ऐसी खतरनाक गेंदबाजी होगी तो सामने वाले जो बल्लेबाज है ना वो तो पनाह ही मांगेंगे। साथ में एंड्रू टाय की बात करते, एंड्रू टाय भी लगातार सभी मैचों में विकेट चटका रहे हैं, किफायती भी हो रहे हैं। लेंस मॉरिस को पिछले मैच में मौका मिला तो लेंस मॉरिस ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी करी। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे पर्थ की बात करें, चाहे बल्लेबाजी की बात कर लो, अपना योगदान बढ़िया दे रहे हैं, जो गेंदबाज है वो भी खतरनाक गेंदबाजी कर रहे हैं, और जो ऑलराउंडर है बल्ले और गेंद दोनों जगह से बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। वहीं दोस्तों अगर हम यहाँ पे मेलबर्न रेनेगेड्स की बात करें तो आप टीम देखें, टीम कितनी ज्यादा सॉलिड नजर आ रही है, लेकिन परफॉर्मेंस की बात करें तो क्विंटन डिकॉक ने 2 मैच खेला, एक में चले एक में ना चले। जोए क्लार्क ने तो सारे मैच खेले, पिछले मैच में 38 की पारी खेली थी, बाकी सभी मैचों में फ्लॉप रहे भाई साहब। हाँ, जैक फ्रेसर मैकगक की बात करें, जो इन्होंने 3 मैच खेले, पिछला मैच हटा दिया जाए तो बाकी दोनों मैचों में बढ़िया बल्लेबाजी करी। कप्तान निक मैटसन की बात करें तो इनसे कुछ उखाड़ा उखाड़ा नहीं जा रहा, बेवजह कप्तान बने बैठे हैं। एलोन फिंच की बात करें तो इनको भी शुरुआत अच्छी मिली 2 मैचों में, लेकिन लंबी संबी पारी ना खेल पाए। जोनाथन बिल्स ने 1 मैच में ठीक ठाक पारी खेली। बिल सदरलैंड की बात करें तो हाँ, ये ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहे हैं बल्ले और गेंद से, मतलब बढ़िया ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। टॉम रॉजर्स नया लड़का है, लेकिन 3 मैचों में से 2 मैच में बढ़िया गेंदबाजी करी। अगर हम यहाँ पे केन रिचर्डसन की बात करें तो शुरुआत में बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, लेकिन डेथ में थोड़ा सा पिट जाते हैं, विकेट भी मतलब मिलता है एक आता तो ज्यादा नहीं मिलता। एडम जंपा की बात करें तो एडम जंपा भी एक आता 2 मैच में ठीक ठाक गेंदबाजी करी, एक आता 2 मैच में फ्लॉप भी रहे। मुजीब की बात करें एक आता 2 विकेट जरूर मिलता है, लेकिन साथ में काफी ज्यादा महंगे साबित हो रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें जो खिलाड़ी हैं मेलबर्न रेनेगेड्स के खेमे में, सभी जबरदस्त खिलाड़ी हैं, लेकिन परफॉर्मेंस की बात करें एक आता 2 बल्लेबाज बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं, एक आता 2 गेंदबाज बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बाकी बिल सदरलैंड बढ़िया ऑलराउंडर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। मतलब 5 खिलाड़ियों के अलावा बाकी जो खिलाड़ी है ना टाइम टाइम फिस हो रहे हैं। तो भैया नाम बड़े होने से कुछ नहीं होता, आपको काम बड़े करना पड़ता है। अगर हम यहाँ पे दोनों टीमों की एनालिसिस करने के बाद देखें, बड़े नाम किसमें दिख रहे हैं, मेलबर्न रेनेगेड्स में, लेकिन परफॉर्मेंस किसकी अच्छी आ रही है, पर्थ स्कॉचर्स की। वहीं अगर हम इन दोनों टीमों के लास्ट 6 मैच के यहाँ पे कंपैरिजन करें तो पर्थ स्कॉचर्स ने अपने आखिरी के सारे मैच छक्के मार के जीते हैं, मतलब जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहा है। वहीं दोस्तों अगर बात करें मेलबर्न रेनेगेड्स की तो आखिरी के 6 मैच में बस 1 मैच जीता, 5 मैच हारा, भाई साहब की दुर्दशा खराब है। इस दौरान जो इनका बल्लेबाजी एवरेज है 161 रनों का, जो कि ठीक ठाक कह सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कहेंगे। वहीं पर्थ स्कॉचर्स की बात करें जो इनका बल्लेबाजी एवरेज है 174 रन, ऑस्ट्रेलिया की पिच के हिसाब से काफी ज्यादा बढ़िया कह सकते हैं। गेंदबाजी एवरेज की बात करें 7.41, भैया जो 7.41 गेंदबाजी एवरेज होता है T20 में ना, ये काफी ज्यादा खतरनाक होता है, मतलब खतरनाक गेंदबाजी एवरेज, बल्लेबाजी एवरेज भी जबरदस्त, तभी आखिरी के 6 मैच में सारे मैच जीता पर्थ स्कॉचर्स। वहीं दोस्तों मेलबर्न रेनेगेड्स की बात करें जो इनका गेंदबाजी एवरेज है 7.80, जो कि ठीक ठाक कह सकते हैं। इनका ठीक ठाक बल्लेबाजी एवरेज भी है, ठीक ठाक गेंदबाजी एवरेज है, फिर भी 6 में से बस 1 जीता 5 हारे, क्योंकि ये आखिरी में मैच तो फंसा के रखते हैं लेकिन आखिरी को ओवर में ना मैच को छोड़ देते हैं, मतलब इनके साथ बहुत बारी होता है कि जीता मैच हार जाते। तो अगर हम यहाँ पे देखें रिजल्ट में पर्थ मेलबर्न से काफी ज्यादा आगे, बल्लेबाजी एवरेज में भी थोड़ा बहुत आगे, गेंदबाजी एवरेज में भी जो पर्थ की टीम है वो आगे। तो भैया क्या होगा आज के मैच में, कौन सी टीम है जो आज का मैच अपने नाम पे कर सकती है, चलो मैं बताता हूँ। बस उससे पहले एक छोटा सा काम कर दो, भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखो भाई लोग, दोनों टीमों के एनालिसिस करने के बाद प्लेयर पे ना टीम कौन सी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है, मेलबर्न रेनेगेड्स। लेकिन क्रिकेट में ना पेपर पे नहीं देखा जाता, करंट परफॉर्मेंस देखी जाती है। तो जो करंट परफॉर्मेंस है किसकी, पर्थ स्कॉचर्स की बढ़िया है। तो इस हिसाब से जो मैच है 60-40 का, 60 पर्थ स्कॉचर्स, 40 मेलबर्न रेनेगेड्स। तो अगर आप यहाँ पे चाहें तो जो मजबूत टीम है पर्थ स्कॉचर्स उसके साथ जा सकते हैं, क्योंकि ये बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन मैं अपनी बात को तो मुझे ऐसा लगता है जो आज का मैच है ना मेलबर्न रेनेगेड्स अपने नाम पर कर सकता है। देखो इसमें थोड़ा बहुत रिस्क है, अगर आप ले सकते हैं तो मेरे साथ आ सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है जो ये मैच है मेलबर्न रेनेगेड्स अपने नाम पर कर सकता है। बाकी
आप मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि आपको पता है ना बीबीएल के अलावा बहुत सारे टी20 टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाले हैं और उन सभी मैचों की वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होगा भाई साहब, लेकिन सभी मैचों की प्रेडिक्शन देना पॉसिबल है कहां पे, मेरे टेलीग्राम पे। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे लिंक मिलेगी, या जो कमेंट बॉक्स में सबसे पहला कमेंट है ना वहां पे भी लिंक मिल जाएगी। अप्सरा प्रोडक्शन हाउस के नाम से मेरा टेलीग्राम है, तो अगर आपको सभी मैचों की जबरदस्त वाली प्रेडिक्शन चाहिए तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच की प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।